पाकिस्तानी पंजाबी फिल्मों का जिक्र आए और सुल्तान राय का नाम ना लिया जाए तो यह बहुत ज्यादती होगी। अगर पंजाबी फिल्मों की हीरोइन की बात की जाए तो सबसे पहला नाम जो जहन में आता है वो अंजुमन जी का है। जी हाँ दोस्तों, आज हम फिल्म स्टार अंजुमन का शोबिज कैरियर और जाती जिंदगी बारे मुकम्मल मालूमात शेयर करेंगे। वैसे हमने अपने इस चैनल से अंजुमन जी की बायोग्राफी 2018 में बनाई थी, लेकिन हमारे ख्याल से वो मुकम्मल मालूमती वीडियो नहीं थी। आज की हमारी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। फिल्म स्टार अंजुमन से मोहब्बत करने वाले यकीनन हमारी इस वीडियो को पसंद करेंगे। पंजाबी फिल्मों की जट्टी, जिसका शुमार सफ़े अव्वल की फिल्म एक्ट्रेस में होता था। दोस्तों, ये वो दौर था जब फिल्मों में थोड़ी भारी जिस्म वाली लड़कियों को पसंद किया जाता था, जिसको जट्टी कहते थे। दुबली पतली फिल्म एक्ट्रेस का रिवाज तो आजकल के दौर का है, लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं होता था और अंजुमन की पर्सनैलिटी बहुत पुरकशिश थी। अंजुमन का असल और पूरा नाम अंजुमन शाहीन है, जो 1955 को बहावलपुर में पैदा हुई। ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, आप अंजुमन को मैट्रिक पास कह सकते हैं। अंजुमन के शोबिज कैरियर पर मुख्तसर नजर डालने के बाद आपको उनकी जाती जिंदगी की जानब ले जाएंगे। अंजुमन को शोबिज में काम करने का बहुत शौक था। मारूफ फिल्म डायरेक्टर शुबाब किरानवी साहब ने अंजुमन को फिल्मों में मुतारिफ करवाया। इसके अलावा फिल्म स्टार मोहम्मद अली ने भी आपको फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए सपोर्ट किया। अंजुमन जी ने अपने कैरियर का आगाज 1976 को फिल्म खौफनाक से किया। उस वक्त 19 साल की थी, बहुत खूबसूरत और स्मार्ट, लेकिन उस वक्त दुबली पतली एक्ट्रेसेस को ज्यादा पसंद नहीं किया जाता था। इस फिल्म में अंजुमन जी का मुख्तसर किरदार था। फिर 1989 की फिल्म वादे की जंजीर में जलवागर हुई, जिसमें अंजुमन और वहीद मुराद एक साथ नजर आए। ये उर्दू फिल्म थी। फिर अगले साल पंजाबी फिल्मों का रुख किया। उस फिल्म का नाम था सरदार, जो 1980 में रिलीज हुई। इस फिल्म के रिलीज होने के देर थे कि अंजुमन पंजाबी फिल्मों की क्वीन बन गई। 80 और 90 की दहाई आपका अरूज का दौर रहा, बेशुमार सुपरहिट फिल्में दी। सुल्तान राही के साथ आपकी जोड़ी को बहुत पसंद किया गया। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अटैच थे, यानी कम्बिनेशन बहुत अच्छा था, और ये जोड़ी 130 से ज्यादा फिल्मों में जलवागर हुई। इस जोड़ी को हकीकी जिंदगी में भी लोग बहुत पसंद करते थे और ये दोनों को हकीकी जिंदगी में भी इकट्ठा देखने चाहते थे। सुल्तान राही और अंजुमन का आपस में रिश्ता प्यार मोहब्बत का था, लेकिन इस प्यार मोहब्बत को आप इज्जत और एहतराम का नाम दे सकते हैं। अंजुमन और सुल्तान राही की ये जोड़ी सुल्तान राही के इस दुनिया से रुखसत होने तक कायम रही। सुल्तान राही की अचानक मौत ने पूरी दुनिया को गमजदा करने के साथ साथ अंजुमन को भी तन्हा कर दिया। गोया के अंजुमन और राही साहब का फिल्मी सफर था, लेकिन फिर भी ऐसा महसूस हुआ कि अंजुमन अकेली रह गई। इसके बाद मुतअद्दिद फिल्मों में अंजुमन ने अकेले सुल्तान राही जैसे रोल करने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी हासिल न कर सकी। बिलाखर अंजुमन को 2002 में फिल्म इंडस्ट्री को खैरबत कहना पड़ा। फिल्म स्टार अंजुमन को सुपरहिट करवाने में दो शख्सियात का बहुत बड़ा हाथ रहा। एक थी मलका तरन्नम नूरजहां की आवाज, जो अंजुमन पर फिल्माई जाती थी, और दूसरे थे सुल्तान राही साहब। सुल्तान राही अपने दौर के वो हीरो थे, जो जिसके साथ भी आ जाते वो हिट हो जाता। फिल्म स्टार अंजुमन ने शौकिया गुलकारी भी की और अंजुमन को ये एजाज भी हासिल है कि उन्होंने मैडम नूर जहां के सामने परफॉर्मेंस दी और मैडम ने अंजुमन की गायकी की तारीफ भी की। तेरे बाजरे दी राखी, तेरे बाजरे दी राखी। अंजुमन की जिसामत पंजाब की रवायती मुटियार की तरह थी, जो हर पंजाबी नौजवान के लिए दिलकश व हसीन थी, और इसी वजह से आपको पंजाबी फिल्मों की जट्टी का नाम दिया गया। अब बात करते हैं फिल्म स्टार अंजुमन की जाती जिंदगी के बारे में। अंजुमन शाहीन जितनी फिल्मों में कामयाब हुई, लेकिन इसके बरक्स हकीकी जिंदगी में उतना ही नाकाम रही। कई बार नाकामियों का सामना करना पड़ा। अंजुमन जी ने बहुत कोशिश की, मगर उनकी किस्मत में तन्हा रहना ही लिखा है। मुकद्दर से कोई नहीं लड़ सकता और ना ही कोई जीत सकता है। यूं तो अंजुमन के चाहने वाले लाखों में है। हर कोई अंजुमन की अदाकारी और खूबसूरती का दीवाना था। आसान अल्फाज में हर कोई अंजुमन को हासिल करना चाहता था, लेकिन ये लॉटरी एक सरकारी ऑफिसर की लगी। इनकम टैक्स ऑफिसर मुबीन मलक अंजुमन को हासिल करने में कामयाब हो गए। दोनों ने 19 जून 1987 को शादी कर ली। ये एक पसंद की शादी थी। इस शादी के बाद तमाम अफवाहें दम तोड़ गईं। दोनों ने बहुत खुशोखुरम जिंदगी गुजारी। मुबीन मलक से अंजुमन के 3 बच्चे हुए, जिनमें से 2 बेटे और 1 बेटी। शादी के बाद अंजुमन इंग्लैंड सेटल हो गई। जब सुल्तान राही की मौत हुई थी, उस वक्त भी अंजुमन बैरून मुल्क में मुकीम थी। 2002 के बाद आप एक लंबा अरसा इंग्लैंड में मुकीम रही। बच्चों की पढ़ाई और परवरिश यूके में ही की।
फिर 2013 को ईद उल फितर पर जब पूरी फैमिली के हमरा पाकिस्तान आए तो एक बहुत अलमनाक हादसा पेश आ गया। अंजुमन के शोहर मुबीन मलक को किसी ने कत्ल कर दिया। सुनने में आया था कि मुबीन मलक और अंजुमन के दरमियान तलाक हो गई थी, लेकिन अंजुमन इस बात से इनकारी रही। जो कर लिया था, जो कुरान ने भी हमें बताया है कि मियां बीवी में अगर वक्ती अलहदगी हो तो रुजू कर लो, तो वो नहीं होता कुछ। मुबीन ने तो मुझे तलाक नहीं दिया था, मैंने खुला किया, लेकिन मैंने चंद दिनों में हमने रुजू कर लिया। हम निकाह में थे और मैं उसकी बेवा हूँ। अंजुमन का कहना था कि हमने दोबारा रुजू कर लिया था। अपने शोहर की मौत पर अंजुमन का कहना था कि पाकिस्तान ने हमें उजाड़ दिया, मेरा घर उजड़ गया, मेरे बच्चे उजड़ गए। लेकिन ऐसा कहना कि पाकिस्तान ने मेरा घर उजाड़ा बहुत गलत बात है। पाकिस्तान ने तो अंजुमन को बनाया है, ना कि उजाड़ा। मुझे पाकिस्तान ने उजाड़ दिया, मैं उजड़ गई। इस पाकिस्तान की मोहब्बत, इस पाकिस्तानी होने के नाते में ये हमें वतन नहीं दिया है, ये वतन नहीं दिया है। मैं आज अंजुमन, मैं उजड़ गई इस पाकिस्तान में, मेरे बच्चे उजड़ गए, हमारा कुछ नहीं रहा। लेकिन मुसबत सोच के साथ इसको स्लिप ऑफ टंग कह सकते हैं, क्योंकि उस वक्त अंजुमन गमगीन और दिल बर्दाश्ता थी। इस वाकया के बाद अंजुमन एक बार फिर वापस इंग्लैंड चली गई। गैर मुसद्दका इतलात और हमारे अंदाजे के मुताबिक अंजुमन और उनके बच्चों के पास इंग्लैंड की नेशनैलिटी है। फिल्म स्टार अंजुमन के बच्चे जवान और अपनी जिंदगी में मसरूफ हैं। तमाम बच्चों की शादी हो चुकी है, बैरून मुल्क ही सेटल हैं, कोई भी शोबिज इंडस्ट्री में नहीं आया। बच्चे अपनी जिंदगी में मसरूफ हैं तो अंजुमन मुस्तकिल पाकिस्तान मुंतकल हो गई और यहाँ रहने लगी, मुख्तलिफ टीवी शोज में नजर आती रहीं। अंजुमन जी ने खुद की तन्हाई को ख़त्म करने के लिए एक अहम फैसला किया, वो फैसला था दूसरी शादी का। गुज़िश्ता साल 2019 की 15 जून को अंजुमन शाही ने मियाँ वसीम अहमद उर्फ लकी अली से शादी कर ली। शादी की तकरीब पुरमसरत मगर मुख्तसर, करीबी अजीज़ों ने ही शिरकत की। मियाँ वसीम अहमद भी फिल्म इंडस्ट्री से मुंसलक रहे और अब प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहे हैं। 64 साल की उम्र में अंजुमन ने दूसरी शादी की थी और दूसरी बार दुल्हन बनी। अंजुमन शाहीन का अपनी शादी के मुतल्लिक क्या कहना था, खुद ही सुन लें। अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से आप सब का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं अंजुमन हूँ जो आपसे मुखातिब हूँ। मेरे जितने फैंस हैं, मेरे जितने वेलविशर हैं, जो मुझे मोहब्बत करते हैं, मेरी इज्जत करते हैं, मुझे रिगार्ड्स देते हैं, मेरे लिए दुआएं करते हैं, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा, मैंने शादी की, निकाह हुआ मेरा मियाँ वसीम अहमद उर्फ लकी अली साहब से। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये फ़ैसला इसलिए किया क्योंकि अल्लाह के नज़दीक और हमारे मज़हबी पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेरा हक बनता था, क्योंकि माशाल्लाह मेरे बच्चे जवान हो के शादियां वाले से, क्योंकि लोनली फील कर रही थी कि ज़िंदगी अकेली तनहा किस तरह से गुजरेगी। और आपको पता है हमारा मुआशरा, हमारा कल्चर ऐसा है जिसमें औरत को किसी के अक्द में रह के ज़्यादा इज़्ज़त से ज़िंदगी गुजार सकती हो। तो मैंने अपने हिसाब से यही सोचा कि दुनिया की बुरी निगाहों से भी बच जाऊंगी और अच्छे से इज़्ज़त से मैं अपनी ज़िंदगी गुजार के इस दुनिया से जाऊं। हमने एक ना एक दिन तो चले जाना है इस दुनिया में, किसने सदा रहना है। लेकिन ये है कि ये मेरा ज़िंदगी का मैंने फ़ैसला किया, और सबसे पहले मैंने अपने बच्चों से बात की, अपने बच्चों से मशवरा करके, जब मेरे बच्चों ने ख़ुद कहा कि ठीक है अम्मी आप डिज़र्व करती हैं, आपका होना चाहिए, तो आपकी, क्योंकि ज़िंदगी लाइफ तो हर एक की है ना। अब वो दौर तो नहीं है कि भाई अपने आप को इंसान बिल्कुल मुरझा के चले। मैं एक आर्टिस्ट थी, आर्टिस्ट हूँ, एक्ट्रेस थी, एक्ट्रेस हूँ, लोगों के दिलों में थी, अब भी हूँ, और इंशाल्लाह उनकी मोहब्बतें मेरी साथ शामिल है और मैं रहूँगी। ये शादी तकरीबन 8 माह बहुत अच्छे तरीके से चली, फिर वही हुआ जिसका डर था, दोनों में इख्तलाफात पैदा होने लगे। 1 फरवरी 2020 को एक खबर मिली कि अंजुमन जी को तलाक हो गई। लकी अली ने अंजुमन को तलाक दे दी,
यह खबर जंगल में आग की तरह फैली। हमने अपने इस चैनल से इस खबर को तस्दीक करने के बाद चलाया और यह भी बताया कि अभी एक तलाक हुई है और फिर उससे चंद दिन बाद अंजुमन और लकी अली कैमरे के सामने आई और क्या कहा खुद ही सुन ले। सबसे पहले देखने वाले और सुनने वालों को हम दोनों मियां बीवी का सलाम पहुंचे। आजकल जो मीडिया पे खबरें चल रही हैं हम दोनों को लेके, ये फेक हैं। हम बिल्कुल दोनों मियां बीवी बहुत खुश हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी को लेके तो पूरा मीडिया ने बहुत अप्रिशिएट किया और मैं और लकी अली हम बहुत खुश अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो कुछ ऐसी मनगढ़ंत बातें हैं जो हमारे बारे में लोग कह रहे हैं लेकिन बिल्कुल गलत है, उसमें कुछ सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है जो आप लोग देख रहे हैं, ये सच। खैर उस वक्त इन दोनों का यही कहना बनता था क्योंकि दोबारा रजू हो चुका था, मगर ये कोशिश भी नाकाम रही। बमुश्किल 3 माह ही ये दोनों इकट्ठे रह सके। पिछले माह की 14 तारीख को यानी 14 अप्रैल को एक बार फिर ये खबर मिली कि अंजुमन और लकी के दरमियान तलाक हो गई और इस बार ये खबर इतनी कन्फर्म थी कि दोनों ने अलग अलग कैमरे के सामने आकर बताया कि हमारे बीच तलाक हो गई है। ना सिर्फ ये बल्कि लकी अली ने तलाक के पेपर्स भी दिखा दिए और यूं अंजुमन की दूसरी शादी नाकाम रही। दोस्तों इसके अलावा भी ऐसी मालूमात जो आपको हैरान कर दें लेकिन हम शेयर नहीं करना चाहते। हम नहीं चाहते कि अपने व्यूज की खातिर किसी की इज्जत को उछाला जाए। अंजुमन जी हमारी लेजेंड एक्ट्रेस हैं और लाहौर में ही मुकीम हैं और गमगीन और दिल बर्दाश्ता हैं क्योंकि जो उन्होंने सोचा था वैसा ना हो सका। इंसान को बुढ़ापे में जीवन साथी की जितनी ज़रूरत होती है शायद उतनी जवानी में भी ना हो। अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक और हमारा चैनल सब्सक्राइब लाजमी करेंगे। शुक्रिया।